कुछ चीजें होती हैं वो तो आपको आंखों से दिख जाएंगी, कुछ चीजें होती हैं वो वाकई दर्ज भी होती हैं, जैसे कि प्रदूषण, और इसमें नदियों का प्रदूषण भी शामिल है। गंगा में कुछ जगहों पर तो अब तक गैंजेटिक डॉल्फिन्स मिलती थी, लेकिन अब कोलकाता में भी गैंजेटिक डॉल्फिन्स के दर्शन हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से प्रकृति ने खुद को रीबूट करना शुरू कर दिया। वन्य जीवों को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। उड़ीसा में कछुए प्रजनन के लिए समुद्र तट की ओर लौट रहे हैं, तो कोलकाता में करीब 30 साल बाद डॉल्फिन को उछलते कूदते देखा गया। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के चलते मीठे पानी में रहने वाली गैंजेटिक डॉल्फिन्स के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कोरोना का ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट डॉल्फिन्स के लिए संजीवनी है। कोरोना का सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जीवनदायिनी गंगा पर ही हुआ है। जिन गंगा को सरकारें सालों से साफ नहीं कर पाई थी, उनकी सेहत सिर्फ एक महीने में लॉकडाउन में सुधर गई। हरिद्वार में गंगा का पानी आचमन के साथ साथ पीने लायक हो गया है, जबकि मई 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के जवाहर नगर इलाके की इस नहर की भी तस्वीर बदल गई। पिछले साल गर्मी के महीने में लोग इसमें नहाया करते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से लोग घर में हैं, तो नहर में मगरमच्छों ने डेरा डाल दिया। औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां चलती हैं, प्रदूषण न के बराबर है, और जब इंसान लॉकडाउन में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को बाहर निकलने का मौका मिल गया है। आपको रंग बिरंगे फूल हर तरफ दिख जाएंगे, आपको जानवर सड़कों की ओर आते हुए दिख जाएंगे, और सिर्फ भारत की सड़कों पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर से ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की ये तस्वीर कितनी अद्भुत है। लॉकडाउन की वजह से हर तरफ सन्नाटा है। इस बीच एक कंगारू कुलाचे मारते हुए आराम से शहर की सैर पर निकल आया। क्योंकि इससे पहले कंगारू को इस तरह से शहर में आराम से विचरण करते हुए किसी ने नहीं देखा था। बदलते संसार की एक और बेजोड़ तस्वीर। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच तुर्की के इस्तांबुल के शांत बोस्फोरस तट पर डॉल्फिन की ये तस्वीरें सुकून देती हैं। रात में खींची गई इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद पानी कितना साफ हो गया है। पानी के अंदर तैरती डॉल्फिन साफ दिख रही है। कोरोना की वजह से बदलते संसार की ये तस्वीर इजराइल की है।
यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से शहर में इतनी शांति है कि जंगली सुअरों ने शहरों में धावा बोल दिया। घरों में कैद लोग खिड़की से इस नई मुसीबत को देखकर डरे हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने कोरोना के प्रकोप पर काफी हद तक रोक लगा दी है, लेकिन यहां पर लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। बेसबॉल के इस मैच को गौर से देखिए, मैच में सिर्फ खिलाड़ी दिख रहे हैं, जबकि 24,000 की क्षमता वाला पूरा स्टेडियम खाली है। कोरोना की रोकथाम के बाद दक्षिण कोरिया में यह पहला बेसबॉल लीग मैच है। ये तस्वीर इस बात का संकेत है कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होने वाली है।